नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पीठ पर दाने क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, क्या क्या कारण है इनके होने का और कैसे इन दानों से आप छुटकारा पा सकते हैं। यही सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में कुछ लोगों को पीठ पर दानों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और खासतौर से उन लोगों को भी जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है या जिन्हें पसीने की वजह से भी ये दाने हो जाते हैं। तो ऐसे में इन दानों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, यही सब चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। कुछ होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ गाइस, जिससे आपको तुरंत ही इसमें आराम मिलेगा। तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये दाने कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं और क्या क्या कारण है इन दानों के होने का। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये दाने किस वजह से होते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि ये दाने हमारी पीठ पर ना हों। चेहरे पर मुहासे होना तो एक आम बात है, लेकिन उनसे मुक्ति पाने के लिए यानी कि छुटकारा पाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये मुहासे आपकी पीठ पर हो तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है आपके लिए। और अगर आप ये सोच रही हैं कि पीठ पर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे की त्वचा की तरह आपकी पीठ की त्वचा भी बहुत ही ज़्यादा खास होती है, क्योंकि उसका ख्याल भी रखना ज़रूरी होता है। और बाहरी प्रदूषण से पीठ पर होने वाले दानों की ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ सबसे पहले इन पीठ के दानों के कारण क्या क्या होते हैं। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कारण बताने जा रही हूँ कि हमें ये होते क्यों हैं। अक्सर हम जब भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या बालों से रिलेटेड हो या बॉडी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बिना पैच टेस्ट किए, तो काफ़ी बार वो हमारी स्किन पर सूट नहीं करते और हमें पता नहीं चलता है, जिसे आप एलर्जी या इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी तरह की एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट आप बिना पैच टेस्ट के इस्तेमाल मत कीजिए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। काफ़ी बार ब्लड में खराबी की वजह से, यानी कि अगर हमारा खून साफ़ नहीं होता है तो उसकी वजह से भी हमें ये दाने हो जाते हैं, जिसे आप एलर्जी भी कह सकते हैं या इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर की एडवाइस लेकर आप कोई भी ब्लड प्यूरीफायर पी सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी ब्लड प्यूरीफायर मत पीजिएगा। डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही आप किसी भी अच्छे ब्लड प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से इन दानों को ठीक करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताती हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और हमें काफ़ी बार पता भी नहीं चलता है। तो कैसे हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पर्स, यानी कि आप जानते ही होंगे पर्स क्या होता है। आप शायद इस बारे में नहीं जानती होंगी कि आपके फैशन को बढ़ाने वाला ये बैग आपके लिए किस प्रकार की परेशानियां पैदा कर सकता है। जब भी आप पर्स डालती हैं या पहनती हैं तो इसको कंधे पर डालने के बाद इसकी रगड़ से हमारे गले और पीठ पर दाने पड़ने लगते हैं। जी हाँ, जिससे जलन होती है और बाद में ये मुहासे का रूप ले लेते हैं। और खास तौर से गर्मी में तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने कुछ ऐसी ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी है जिस पर आप ये पर्स पहन रही हैं, कुछ इस तरह से जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पिक में दिखा रही हूँ, तो इसकी वजह से भी, इस कारण से भी आपकी पीठ पर दाने निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब तक आपको ये दाने की प्रॉब्लम है ना गाइस, तो प्लीज़ ऐसे पर्स को कैरी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना इससे आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ बॉडी लोशन। जी हाँ, आप अपने शरीर पर कोई भी प्रयोग कीजिए लोशन का या मॉइस्चराइज़र का। शरीर पर उपयोग किए जाने वाले ये लोशन, ये महंगे महंगे बॉडी मॉइस्चराइज़र आपके शरीर में कुछ इफेक्ट भी दे जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को बिना पैच टेस्ट के ट्राई कर लिया है, लगा लिया है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट कर ज़रूर देखिएगा। जब भी आप कोई लोशन लेती हैं या कोई सोप वगैरह लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं अपनी बॉडी को धोने के लिए, तो इन्हें लगाने से पहले, इन लोशंस को अगर आप उपयोग कर रही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब तक आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही उठा के मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसे लोशन से जलन पैदा हो सकती है आपके पीठ के दानों में और आपकी ये प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक रीज़न है इन दानों को बढ़ाने का। जब भी आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए इन फिटिंग वाले कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, फिटिंग वाली ड्रेसेस पहनती हैं, तो भी इससे आपकी ये परेशानी काफ़ी बढ़ सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये कपड़े आपको ऊपर से तो सुंदर दिखा देंगे, लेकिन
अंदर से आपकी त्वचा पर ये घाव का काम करते हैं। इसकी रगड़ से और ज़्यादा टाइट होने की वजह से शरीर के अंदर रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जी हाँ, जिसके साथ ही रोए टूटने से शरीर में खुजली, जलन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और जिसके कारण हमारी पीठ पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गर्मी हो या सर्दी, अगर आपको ये दानों की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ जब तक आपको ये दानों की प्रॉब्लम है तो आप फिटिंग वाली ड्रेसेस मत पहनिएगा। नेक्स्ट रीज़न है वो है पसीना। ज़्यादा पसीने की वजह से भी आपको ये दानों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए अपने शरीर की नियमित सफाई का ध्यान रखें। बालों में प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, आप अपने बालों को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए ना जाने कितने तरह के शैम्पू और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बालों को चमकाने के लिए हेयर स्प्रे, हेयर कंडीशनर, सीरम जैसे केमिकल त्वचा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि आपकी पीठ और कंधों पर जलन पैदा करते हैं, जिससे आपके पीठ और कंधों पर ये दाने निकल आते हैं या फिर इनकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जब तक आपको ये दाने की प्रॉब्लम है गाइज, तो प्लीज़ ऐसे कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिएगा। नए नए शैम्पूज, नए नए कंडीशनर, स्प्रे, सीरम ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारे ये वाली प्रॉब्लम दानों की बढ़ सकती है और जिसमें जलन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न मैं आपको बताने जा रही हूँ ना दोस्तों, वो सुनने में आपको बहुत ही एक आम सा रीज़न लगेगा। आप सोचेंगे तो बहुत ही आम बात है, ये तो सबको पता है, लेकिन काफ़ी बार हम इस आम सी दिखने वाली चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ गंदी बेडशीट। जी हाँ, हमेशा आप अपनी बेडशीट को साफ़ सुथरा रखें, इससे आपकी संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ नहीं होंगी, क्योंकि गंदी बेडशीट पर भी बाहरी मिट्टी के कारण इसमें जो कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो चिपक जाते हैं और इसमें समा जाते हैं, अंदर तक सिमट जाते हैं, जिससे बाहरी बैक्टीरिया से शरीर को नुकसान होने लगता है और जिससे शरीर पर खुजली, जलन होने लगती है और जिसकी वजह से हमें दाने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और ये दाने बाद में चलकर घाव का रूप भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने आसपास के एरिया में साफ़ सफाई रखें, जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जहाँ पर भी आप उठते हैं, बैठते हैं, अपनी बेडशीट को साफ़ सुथरा रखिएगा। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से ये दाने होते हैं और ये रीज़न होते हैं इन दानों के होने का। कहीं ना कहीं हम जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या फिर जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं और जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं डेली में अपनी लाइफ में, तो उन चीज़ों की वजह से भी ये दाने हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ रीज़न दिए हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ होम रेमेडीज़ की, कि इन दानों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे पैक, ऐसी कुछ होम रेमेडी जिनकी हेल्प से आप इन दानों से छुटकारा पा सकते हैं और सभी चीजें आपको आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं। नींबू का रस, सबसे पहला जो यहाँ पर मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ ये है नींबू का रस। नींबू एक एसिटिक होता है और ये त्वचा के लाल दानों को हटाने के लिए बहुत ही बेहतर होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, इन दानों का जो कलर होता है वो सबकी बॉडी पर शायद अलग अलग दिखाई दे। कहीं पर ये आपको काले दानों के रूप में नजर आएंगे, काले रंग में नजर आएंगे, कहीं पर ये ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क रेड या फिर लाइट रेड कलर के भी होते हैं। जी हाँ, सबकी स्किन पर ये दाने अलग अलग रंग में होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको लाल दाने हैं या ब्राउन है या काले दाने हैं, तो आप इस पर नींबू का रस लगाइएगा, 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिएगा। आप इसे दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकती हैं इस रेमेडी को, और 2 दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि आपके ये दाने साफ हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेकंड मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कच्चा दूध भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। स्किन पर छोटे छोटे लाल दानों के इलाज के लिए दूध बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इस नुस्खे को आप रात को सोते समय ट्राई कीजिए। सोते समय आप अपनी पूरी पीठ पर, जहाँ पर भी आपको ये दानों की प्रॉब्लम है, वहाँ पर आप कच्चे दूध को लगा लीजिए कॉटन बॉल की हेल्प से, और सुबह होने पर आप इसे हटा दीजिए, यानी कि इसे वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन में ही आप इसे देखेंगे कि आपके जो लाल दाने हैं या चकते हैं वो ठीक हो चुके हैं। नेक्स्ट है दही का लेप। दही को अच्छी तरह से फैट कर स्किन पर लगाने से भी लाल दाने दूर हो जाते हैं, और अगर आप इस दही के लेप में एक चुटकी हल्दी मिक्स करती हैं तो ये और भी ज़्यादा असरकारक हो जाती है। जी हाँ, तब इसका असर और भी 4 गुना बढ़ जाता है। आप दही ले लीजिए, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, और उसमें एक चुटकी हल्दी ले लीजिए, यानी कि 1 पिंच हल्दी ऐड कर दीजिए। इसका लेप बना लीजिए अच्छे से मिक्स करने के बाद, और इसे अपने पीठ पर, दानों पर लगा लीजिए। इसे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो दाने हैं वो ठीक हो गए हैं और दानों के दाग भी नहीं रहेंगे। जी हाँ, हल्दी दानों के इन दागों को दूर करने में भी हेल्प करेगी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है इन दानों को दूर करने का। इसके बाद है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट बना लीजिए और इसे स्किन पर लगा लीजिए, जहाँ पर भी आपको दानों की प्रॉब्लम है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कुछ ही दिनों में ये दाने ठीक हो चुके हैं। गाइज, ये भी बहुत ही अच्छा एक उपाय है, इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चारों ही जो लेप हैं मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपके पास घर में इस वक्त जो भी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं उसकी हेल्प से आप इन पैक को तैयार कर सकते हैं, इन्हें लगा सकते हैं।
कच्चा दूध और नींबू ऐसी चीज़ है जो हर एक घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, दही भी आपको आसानी से मिल जाएगी और हल्दी भी। तुलसी के पत्ते अगर आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, आप बाकी के तीन उपाय भी ट्राई कर सकते हो। वैसे तो तुलसी भी हर एक घर में लगी होती है तो आप जानते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो बहुत ही इफेक्टिव है चारों ही नुस्खे, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आपकी ये पीठ पर दाने अभी थोड़े हैं, यानी कि अभी अगर होने स्टार्ट हुए हैं, तो जब भी आपने देखा होगा आप इसे खुजली करते हैं, खजाते हैं, तो आपको इन दानों में इचिंग होने लगती है, खारिश होने लगती है, जलन होने लगती है जब भी आप इसे खुजली करते हैं। तो ऐसे में आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसके लिए चाहिए सिर्फ एलोवेरा जेल। जी हाँ, आप किसी भी ब्रांड की एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एलोवेरा जेल नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लांट की एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो गाइस, बहुत ही इफेक्टिव है ये इन दानों पर, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने बर्फ लगानी है अपने सभी दानों पर, जहां पर भी आपको पीठ पर दानों की प्रॉब्लम है या आपके शोल्डर पर, आप चाहें तो इसमें किसी की हेल्प भी ले सकते हो। तो आप पूरी पीठ पर जहां पर आपको दाने की प्रॉब्लम है तो वहां पर आप आइस क्यूब लगा लीजिए एक, और अच्छे से लगानी है आपने। उसके बाद आप एलोवेरा जल लगाइए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको इन दानों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है गाइस, इसे प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहती हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिएगा, पानी बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा पानी। हर एक थोड़ी देर में आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा सकते हो, अलार्म लगा सकते हो कि आपने इतनी देर में पानी पीना ही पीना है। आपने दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है गाइस, पानी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन में ग्लो लाने के लिए भी, और हमारी काफी सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है पानी। तो प्लीज पानी भरपूर मात्रा में जरूर पीजिएगा। और नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों वो ये है कि जंक फूड बिल्कुल मत खाइएगा, ज्यादा तले भुने पदार्थों को बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से भी आपको त्वचा से संबंधित काफी सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिएगा, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, चने खाइएगा, और हाँ दोस्तों ग्रीन टी जरूर लीजिएगा। ग्रीन टी से भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। जी हाँ, जब भी आपको चाय की तलब लगे तो चाय को मत पीजिएगा ज्यादा अधिक मात्रा में, लेकिन आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी बहुत ही हेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी और बहुत अच्छी होती है। और जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो ये है मेरी, कि जब भी आप कोई नया ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कोई भी अपने स्किन पर प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो प्लीज उसका एक बार पैच टेस्ट कर जरूर देखिएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम है, और अगर नहीं भी है तो भी एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं और लगा लेते हैं तो उसकी वजह से भी इन एक्ने की प्रॉब्लम को आप बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए प्लीज कोई भी नया ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर देखिएगा। और अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम होती है ना गाइस, तो आप अपने बालों में कोई भी कलर वगैरह बाजार में जो कलर्स आते हैं, हेयर कलर वगैरह ना इस्तेमाल कीजिए जब तक आपको ये प्रॉब्लम है, तो उन हेयर कलर्स को बाय बाय कह दीजिएगा जब तक आपको ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती है, ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको मेरी सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है मेरी वीडियोस की, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने किन किन टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है। आपको मेरे चैनल पर स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हेल्दी टिप्स और भी काफी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप लुक, इंस्पायर्ड मेकअप लुक, पार्टी मेकअप लुक, वेडिंग मेकअप लुक, हर एक तरह की वीडियोज मिल जाएंगी। तो प्लीज गाइस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।